हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से ए टू जेड शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गणित ट्रिक देखेंगे जोड़वा घटाव की। ठीक है, जो आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में जोड़ घटाना गुणा व भाग से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और बैंक की परीक्षाओं में तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न इसी अध्याय से पूछे जाते हैं। इन्हें जल्द से जल्द करने के लिए ट्रिक तथा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। ठीक है, परंतु इनका ये जो ट्रिक तभी काम आ सकती है जब आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा जैसे पहला हमने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 7432 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 5490 प्लस हम इसमें जोड़ना है 343। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ नोट्स लिख देता हूँ, नोट पहले लिख दे रहा हूँ कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए हमें दाएं से प्रारंभ करना चाहिए, हमें दायां से प्रारंभ, दायां से प्रारंभ किया है, जोड़ना जोड़ना जैसे ही जोड़ना जैसे ही हमारा हासिल आता है कैरी, ठीक है, हासिल आता है उसे अगले में जोड़ दें। ठीक है, अगले वाले में जोड़ दें और ऐसे करते रहें बारी बारी से। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमारा क्या, यहाँ पर पहले हम इनका दाएं की तरफ से हम क्या करेंगे, जोड़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, दाएं से देखिए हमारा यहाँ से 2 है, फिर 0 है, यानी इकाई का पहले जोड़ेंगे 2 प्लस यहाँ पे क्या है 0 है प्लस फिर यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अब इसको लेते हैं 3 है 9 है 4 है, यानी 3 प्लस 9 प्लस 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 3 12 4 16। 16 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, एक यहाँ पर आगे वाले में हासिल ऐड करते जाए 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 है प्लस 3 है प्लस कितना हमारा है 3 है। ठीक है, 4 1 5 4 9 3 हमारा कितना होगा 12, 12 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, अगला वाला हम अगले वाले में जोड़ते चले जाएंगे, यहाँ पे 1 हो गया अब हमारा 1 हासिल, फिर यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 7 प्लस 5, ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 1 8 5 13, यहाँ पे कितना होगा 13। इस प्रकार जो हमारा ये था इसका योग कितना हो जाएगा, नीचे से हम ऊपर चल देंगे, लिख देंगे कितना हो गया 13 2 6 5, इस प्रकार इसका जो योग कितना हो जाएगा 13265। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी प्रकार मैं अगला लिख देता हूँ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए देखिए हमारा ये है 653 प्लस 256 प्लस 789। ठीक है, इनको ऐड करना, तो पहले देखिए हम इधर दाएं से प्रारंभ करेंगे, 3 है प्लस 6 है प्लस 9 है, तो इनका योग करेंगे कितना आएगा 6 3 9 9 9 हमारा कितना होगा 18 18 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 8 लिख देंगे और एक अगला वाले में हासिल में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना है, हमारा 8 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना 8 है, ये 5 1 6 5 11 11 9 हमारा कितना होगा 19 19 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, एक हासिल अगले वाले में हम जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना है 6 है 2 है 7 है, 6 प्लस 2 प्लस 7 बराबर हमारा 6 1 7 2 9 9 7 16, 16 को हम यहाँ पर पूरा लिखते हैं। अब यहाँ से नीचे से चल देंगे कितना हमारा 16 9 और ये 8, इस प्रकार इनका योगफल कितना हो जाएगा 1698। ठीक है, अब देखिए आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरे टाइप से क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया, देखिए हमारा दिया है 9824 माइनस 2435, ठीक है, प्लस 3047, ठीक है, माइनस हमारा 2872। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात करना। ठीक है, तो हम इनमें से कोई, ये जो हमारी बड़ी संख्या है इसको हम क्या मान लेंगे, आधार संख्या मान लेंगे। ठीक है, मेन संख्या इसको मान लेंगे आधार संख्या, यहाँ पर हम इसको मान लेंगे आधार संख्या हमारी कितनी हो गई 9824 यानी 9824। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसमें भी हम क्या करेंगे, हम बाएँ से प्रारंभ, यहाँ पर दाएँ से प्रारंभ करेंगे, ठीक है, या बाएँ से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है -2 है, ठीक है, -2, फिर यहाँ पे देखिए क्या है +7 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा -5 है। ठीक है, अब इनका देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ से देखिए इसके साथ जुड़ गया 0 आ गया। अब हम इसमें में से क्या करेंगे कि हाँ ये हमारे क्या है प्लस है, यहाँ पर आया है, तो ये 4 के साथ इसके साथ इकाई वाले में हम क्या करेंगे जोड़ते चले जाएँ, यानी 4 में हम क्या ये प्लस आया तो हम जोड़ेंगे 0 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए हमारा यहाँ पर, यहाँ हमारा क्या है -7 है, ठीक है, और इधर हमारा कितना है ये +4 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है -3 है,
ठीक है। अब इनका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ से हमारा कितना हो गया, वन आ गया, और इधर से करेंगे माइनस छः, यानी यहाँ पे कितना आएगा माइनस छः। अब यहाँ पे कितना है, दो है, ये क्या करेगा, इससे घटेगा नहीं घटेगा, ये इससे हासिल ले, कितना हो गया इसको हमने मारा दिया बारह, बारह में से हमने क्या किया इस छः को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है, कितना आ गया हमारा छः आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम जो हमारा ये, अब यहाँ पर तीसरा लेंगे, यहाँ पर हमारा कितना है माइनस आठ है, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हमारा है जीरो है, और यहाँ पर माइनस दो है, ठीक है। अब इनका हम करेंगे तो ये कितना हमारा, यहाँ पर हमारा माइनस चार है, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार है, ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस बारह हो गया, ठीक है। अब इस माइनस बारह को हम यहाँ पे कितना बचेगा, सात बचेगा क्योंकि यहाँ पे इसको दे दिया, तो इसको हम क्या बना देंगे सत्रह बना देंगे, एक इससे ये हासिल लेके आधार संख्या में, सत्रह माइनस हम क्या करेंगे ये बारह माइनस आया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पाँच आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब तीसरी संख्या यहाँ पर कितनी दी है माइनस दो है, यहाँ पर क्या है प्लस तीन है, और यहाँ पर क्या हमारी है माइनस दो है, ठीक है। अब ये इस इधर हमारी क्या हो जाएगी, दो दो कितना हो गया चार हो गया, यहाँ से क्या आ गया हमारा माइनस वन आया, ठीक है। अब इस माइनस वन को हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, यानी यहाँ पे कितना बचा, अब आठ बचा इस आधार संख्या में से, आठ में से हम क्या करेंगे माइनस वन करेंगे, कितना आएगा हमारा ये सात आ गया। इस प्रकार इनका जो योगफल या घटाने का जो जोड़ने घटाना है तो इसका कितना आ जाएगा सात पाँच छः चार, यानी 7564, इसका कितना हल हो जाएगा 7564, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा हमारा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चार चार 44,444, फिर प्लस 4,444, ठीक है, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 444, फिर प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर 44, फिर हमने प्लस लगा दिया यहाँ पर चार, ठीक है। इस प्रकार की हमारी संख्याओं का योगफल कितना होगा इसे हमें बताना, ठीक है। तो देखिए इसके इसके लिए मैं नोट यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, नोट, ठीक है। नोट में हम क्या करेंगे, संख्या को गिन गिनकर बारी से गुणा कर लेंगे, ठीक है, संख्या को यहाँ पर गिनकर बारी बारी से गुणा कर लें, ठीक है, बारी बारी से क्या करें गुणा कर लें। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ कितनी संख्याएं हैं, ये एक दो तीन चार पाँच, यानी यहाँ पे कितना चार आया, कितनी बार आया पाँच बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाँचों का हमारा कितना होगा यहाँ पर, यहाँ यहाँ पाँचों कितना होगा हमारा, ये बीस हो गया, ठीक है, ये कितना होगा बीस हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लगाते हुए चले जाएँ, इकाई का अंक जीरो है, दहाई का अंक कितना दो है। अब यहाँ पर दूसरे में एक दो तीन चार, चार कितनी बार यहाँ पर है चार बार है, चार गुड़े चार हमारा कितना आ गया यहाँ पर चार चौक सोलह, यहाँ पर हमने इस तरह से सोलह लिख दिया, ठीक है। और हाँ वन इसमें इसका हासिल जो है दो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा अट्ठारह हो गया, ठीक है, हासिल ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर कितना है चार चार तीन बार है, चार गुड़े यहाँ पे कितनी बार तीन से, प्लस यहाँ देखिए हासिल कितना आया एक आया है, तो चार तीन बारह, और ये कितना हो गया हमारा तेरह हो गया, यहाँ पे हमने तेरह लिख दिया इसको, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे कितनी बार है चार दो बार है, यानी चार गुड़े दो, और यहाँ देखिए हासिल कितना एक आया है, चार दूना आठ हमारा, ये कितना हो गया हमारा नौ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो गया, उसके बाद हमारा क्या है चार यहाँ पर कितनी बार आया एक बार आया है, तो इसमें हमने क्या किया एक से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा चार आ गया, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे नीचे से लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा बराबर चार नौ तीन आठ जीरो, यानी 49,380, ठीक है। इस प्रकार इनका योगफल कितना हो जाएगा 49,380, ठीक है। इस प्रकार इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को गिन गिनकर बारी बारी से गुणा कर लें, और जो हमारे ये हासिल आते हैं इसको हम अगले वाले में जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए आए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इस तरह से 8+88+888+8888+88888, तो इनको कैसे करेंगे, तो देखिए कितनी बार 8 आया यहाँ पे लास्ट में, 5 बार आया, यानी इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे संख्या गिनकर गुणा करेंगे, यानी 8 गुणे हम क्या करेंगे 5 में इसमें गुणा करेंगे, कितना आया हमारा 40 आया, ठीक है। इस 40 को हम इस तरह से इधर लिखते जाएंगे, ठीक है, इकाई का ये जीरो है, दहाई का हमारा चार है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे 8 में, अब यहाँ पर कितनी कितनी बार है चार बार है, तो यहाँ कितनी हो गया हमारा ये हमारा 32 हो गया, 8 + 4=32, इसमें फिर ये जो हासिल हम क्या करेंगे इसमें ऐड करते जाएंगे, 32 + 4 कितना होगा हमारा यहाँ पे 36, ठीक है। फिर 8 में हम इसमें से गुणा करेंगे कितने से, यहाँ देखिए 8 इसके बाद कितनी बार आया तीन बार आया, तो ये कितना हो गया 8 + 3 हमारा कितना हो गया 24, प्लस यहाँ हासिल कितना है तीन है, तो ये हमारा कितना हो गया हमारा 27, ठीक है। इसी प्रकार अब फिर 8 गुणे यहाँ पे देखिए हमारा कितना है दो बार है, तो 8 दुनिया हमारा कितना हो गया 16, प्लस ही दो हम जोड़ देंगे कितना हो गया हमारा 18 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 8 कितनी बार एक है, 8 गुणे एक बराबर हमारा 8, और ये की हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, 8 एक हमारा कितना हो गया हमारा यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब इनको नीचे से हम क्या करेंगे लिख देंगे, यानी 9,8,7,6,0, 98,760, यानी इनका हमारा योगफल कितना हो जाएगा 98,760, ठीक है। इस प्रकार इसका हल हो जाएगा, ठीक है। चले आए हम अगला देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे मान लीजिए पाँचवा हमारा हो गया यहाँ पर 0.666, ठीक है।
इस तरह से 0.66, और इसमें हमने फिर लिख दिया मैंने 0.666 प्लस 0.666, ठीक है, प्लस 0.66, ठीक है, ये है इनका योगफल हमें बताना है। तो देखिए फिर हम वही करेंगे, इसमें संख्याओं को गिन लेंगे, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, दशमलव को छोड़ दीजिए, भूल जाइए अभी, इसके लिए नोट में लिख देता हूँ मैं। नोट में हम क्या करेंगे, संख्या अगर दशमलव वाली संख्या है तो यहाँ पर अगर दशमलव रहे तो इस प्रकार गुणा करें जितना अंक के बाद दशमलव है उसे दे दें, ठीक है, उसे दे दें। जिस प्रकार हम ये सब करते जा रहे हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे दिया है हमारा कि 6 यहाँ पे कितनी बार है, पहले यहाँ देखिए, ये इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाएं तरफ से, यहाँ पे कितनी 6, एक बार है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × 1 कितना होगा हमारा, 6 आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे इस लाइनिंग के इधर साइड में 6, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे कितना 6, 2 बार है, 6 × 2 कितना होगा हमारा, 12 हो गया। अब इसको भी यहाँ लिखते जाएंगे 1, 2, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 हमारा कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर कितने होगा, 6 × 3 = 18। अब इसमें 1 जोड़ते जाएंगे, इसका 1 हासिल कितना होगा, 1 हमारा ये 19 हो गया, ठीक है। अब कितनी बार 6 है यहाँ पर, यहाँ देखिए 4 बार है, तो उसके बाद 6 × 4 कितना हो गया, 24, 24 में है इसका 1 जोड़ते जाएंगे कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये 25, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर 6 कितना यहाँ पर है, 5 बार है, 6 × 5, ठीक है, बराबर हमारा कितना, 6 × 5 = 30 है, प्लस 2 हम जोड़ देंगे कितना आ गया हमारा, 32, इस 32 को इधर लिख देंगे, ठीक है, 32 को इधर लिख देंगे। अब देखिए इस 32 को अब यहाँ से नीचे से लिख देंगे, पूरा लिखते चलते हैं, 32 यहाँ पर 5, 9, 2, 6। अब हम यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या है, जो हमारी ये थी लास्ट वाली संख्या, हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितने स्थानों, दशमलव 1, 2, 3, 4, 5 स्थानों के बाद लगा, तो हम यहाँ पे भी 5 स्थानों के बाद दशमलव 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लग गया, यानी इनका जो हमारा योगफल कितना आ जाएगा, 3.25926 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इनका पूरा योगफल कितना हो जाएगा, 3.25926 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पर छठवां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए हमारा जैसे होगा, 0.77 + 0.77 + 0.77 + 0.77 + 0.77 + 0.77 इनका योगफल कितना होगा हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही हम जिस हिसाब से अगला वाला किए थे, इसके 5वां वाला क्वेश्चन उसी प्रकार इसको भी करेंगे, यानी 7 × पहले 1 से इसमें गुणा करिए, कितना है हमारा 7, इसको एक ये लाइनिंग बना लीजिए, इधर हम 7 लिख देते हैं, फिर इसमें 7 में फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितनी है, 2 बार है, यानी 7 × 2 हमारा कितना हो गया, 14, तो यहाँ पर हम 1, 4 इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 देखिए, अब यहाँ पे कितना है, 3 बार है, यानी 7 × 3 हमारा कितना होगा, 21 है, प्लस 1 हम हासिल इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारा ये 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया। अब देखिए 7 कितनी बार है हमारा, 4 बार है, 7 × 4 बराबर हमारा 28 है, प्लस 2 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 28 तो हमारा कितना होगा हमारा 30 आ गया, ठीक है। अब हमारा देखिए 7 कितनी बार, यहाँ पर 5 बार है, तो यहाँ 5, फिर हम क्या करें, 7 × 5 = 35 प्लस हमारा कितना हो जाए यहाँ पर 3, कितना हो गया हमारा टोटल, हमारा 38 आ गया, ठीक है। अब इनको हम नीचे से लिख देंगे, यहाँ पर 38 0 2 4 7, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर लास्ट वाला ये अंक है, यहाँ पे देखिए दशमलव कितना स्थानों पर लगा है, 1, 2, 3, 4, 5 स्थानों बाद लगा है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 स्थानों बाद यहाँ पे लगा दिया हमने दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी यहाँ इनका योगफल कितना हो जाएगा, 3.8, ठीक है, 0, 2, 4, 7, ठीक है। इस प्रकार इनका पूरा का टोटल का योग इस तरह से इन ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इन ट्रिकों का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हम इन ट्रिकों को आसानी से याद कर सकते हैं और आगे वाले आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हमारे लिए जो लाभदायक होंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको यह ट्रिक बहुत ही आवश्यक लगी होगी और पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों।